हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम फंडा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम सब इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, सभी का हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज हम प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि 1 सितंबर 2018 9 AM वाली शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, महात्मा गांधी, हुकुम सिंह या जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में निम्न में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? ठीक है, तो बताइए, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी, राहुल बजाज या अजीम प्रेम जी। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है JRD टाटा। जो JRD टाटा थे उनको 1992 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, कब दिया गया था? 1992 में। अब देखिए, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि 1992 में और किस किस को भारत रत्न मिला था? तो ये तीन लोगों को मिला था, ठीक है। पहले हम जिनकी बात करें तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। सेकंड, JRD टाटा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है JRD टाटा। और थर्ड थे सत्यजीत रे, ठीक है। यदि हम इसी के बारे में थोड़ा और डीप में जाएं, तो हम ये देखते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी 1954 में। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन जी जो थे इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। आप भारत रत्न से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम इसका हमारा मेन मोटो ये है कि ये तो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट में, यदि नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम हो वो आए, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो किनके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, कमला सुरैया, श्री औरबिंदो या सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री औरबिंदो, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी, ये हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 से 19 के मध्य, ये करंट का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच में 6 लेन एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? वो कौन है? इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर है भोपाल और इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में, ठीक है।
ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या मणिपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है? तो वो है मैग्नीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय जून 2018 में 12 वर्ष 10 महीने और 13 दिन की आयु में विश्व का दूसरा सबसे छोटा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो कौन है वो? सही आंसर है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया है, तो वो कौन है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या अनीता देसाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निम्नलिखित निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवार वाली खिड़कियों सहित बनाया गया है, हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस या कुंभलगढ़? तो इसका सही आंसर है हवा महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए, आनंदीबेन पटेल, उमा भारती, दिग्विजय सिंह या किरण बेदी? तो देखिए कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये तो आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि भोपाल में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पैंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए पैंच है, सतपुड़ा है, माधव है, क्या नहीं है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मानव राष्ट्रीय उद्यान जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है असम में। ठीक है, तो आप उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर हवाई अड्डे का नाम क्या है, बताइए, किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है, इसके ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई होलकर, चेत्रम्मा, चांद बीबी या मणिकर्णिका? इसका सही आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के निदेशक कौन है? तो बताइए, तो ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको हम स्किप करते हैं, संजय कुमार सराफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि जो सब इंजीनियर है ये जीके के 16 क्वेश्चन पूछता है, तो हम 16-16 करके जितने भी सेप्टर में पेपर हुए थे सभी का हम एनालिसिस लेकर आएंगे, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है, महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा चंदेरी का राजा था? चंदेरी का राजा कौन था? वो था शिशुपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको पसंद आए हो। यदि आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए ताकि जो आने वाले वीडियो हैं आप तक पहुँच सकें और आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू।